जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बड़ा हेक्टिक डे था। इमरान खान साहब यहाँ पर 11:30 बजे पेश हुए। आज सुबह से ही इमरान खान साहब के केसेस की जो है वो यहाँ पर भरमार थी। चीफ जस्टिस की अदालत में इमरान खान साहब का केस तोशाखाना था, उसके वाला उसके अलावा दीगर केसेस जो थे वो इमरान खान साहब के यहाँ पर लगे हुए थे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर इमरान खान साहब को यहाँ पर पेश होना था और यहाँ पर हाई कोर्ट की जानिब से जो मज़ीद फैसले दिए जाने थे उस पर जो है वो हाई कोर्ट के सामने पेश होना था और जो 9 उनकी पहले दरख्वास्त ज़मानत थी उन पर और उसके बाद जो एक अलकादर ट्रस्ट केस है उस हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं वो फयाज़ भाई से जानेंगे। अभी अब से कुछ देर कबल इमरान खान साहब यहाँ से रवाना हो चुके हैं। फयाज़ भाई से जानेंगे कि आज सुबह से जब हम यहाँ पर आए थे तो कौन कौन से केसेस जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए थे इमरान खान साहब। देखिए सुबह 7 बजे हम आए हैं और इस वक्त 10:30 हो रहे हैं जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और सारा दिन हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुजारा। बड़ा मुश्किल दिन था, इसमें काफ़ी हैपनिंग्स थी और एक के बाद एक डेवलपमेंट हो रही थी। चीफ जस्टिस की अदालत से केसेस की समाप्त का आगाज़ हुआ जहाँ पर तोशाखाना केस में इमरान खान को पहला रिलीफ मिला और ये रिलीफ का ऐसा आगाज़ हुआ, वो कहते हैं अच्छी बोनी हो जाए तो फिर बड़ा दिन अच्छा जाता है। तो खान साहब को बड़ा अच्छा एक रिलीफ मिलने का टाइम ऐसा शुरू हुआ कि फिर रिलीफ पर रिलीफ उनको मिलता गया। बल्कि एक वक्त तो ये आया कि ये भी कह दिया गया कि अगर कोई खुफिया मुकदमा है उसमें भी पीर तक हमने गिरफ्तारी रोक दी। मतलब एक तरह का उनको तो ब्लैंक चेक आज काट के दे दिया गया कि जाए आप मज़े करें मौजें करें। तो बहरहाल उनको अच्छे खासे रिलीफ मिल गए हैं। तोशाखाना में रिलीफ मिल गया, अलकादर जिसमें गिरफ्तारी हुई थी उसमें उनको बड़ा रिलीफ मिल गया है। 15 दिन के लिए उनकी जो है ज़मानत मंजूर हो गई है बुरी, और बाकी जो है ज़ाहिर है आखिरी केस चलता रहेगा। लेकिन साथ ही साथ दहशतगर्दी के मुकदमात में भी उनकी बुरी ज़मानतें मंजूर हो गई हैं, हिफाजती ज़मानतें मंजूर हुई हैं। ज़िले शाह कत्ल केस में हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई है। और सबसे मेजर चीज़ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्क भर में 9 मई के बाद से होने वाले मुकदमात में गिरफ्तारी से भी रोक दिया है। तो इमरान खान साहब के लिए बड़ा एक अच्छा दिन था। लेकिन उसके बाद ज़रा जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल होना शुरू हो गई, जो प्रोलॉन्ग होती गई चीज़ें। पहले तो हमें मालूम हुई हुआ कि खान साहब ने कहा है कि वो कुछ वक्त यहाँ पर गुजारेंगे जब तक उन्हें रिटर्न ऑर्डर नहीं मिल जाता। वो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे किसी के ऊपर। फिर जब वो बैठे तो बस बैठे ही रह गए। फिर सिक्योरिटी की ऐसी सिचुएशन बनी कि क्लियरेंस नहीं हो रही थी सिक्योरिटी की, और बार बार ये कहा जा रहा सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी तो आपको जाने की इजाज़त दी जाएगी। फिर एक वक्त ये आया कि खान साहब के सब्र का जो पैमाना है वो कहते हैं लिब्रेज हो गया। उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 15 मिनट में मुझे रूट क्लियर नहीं मिला तो फिर मैं आयदा का लाहे अमल दे दूँगा। तो फिर IG इस्लामाबाद आए, DIG आए, फिर इनकी जो मुलाकातें हैं वो होती रहीं, और मुलाकातों के बाद चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई। फिर उसके बाद उनको जजेस के जो चैम्बर है वहाँ से निकाला गया और लेकर जाया गया। इस दौरान नाज़रीन को बताता चलूँ कि यहाँ पर 3 दफ़ा जो है वो फायरिंग का भी वाक़या पेश आया था, जिसके बाद पुलिस की जानिब से कहा गया था कि जी ये मामला जो हैं वो हो रहे हैं और सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे जा रही। फयाज़ भाई हमारे साथ, मैं भी यहाँ पर ही था, फयाज़ भाई भी यहीं पर थे। हमने जो है फयाज़ भाई ने अपने व्लॉग में भी दिखाया कि इस वक्त हाई कोर्ट की जो सिचुएशन है सारी जो सिचुएशन है फयाज़ भाई ने भी अपने व्लॉग में बताई है। और इमरान खान साहब के ये जो 9 केसेस थे ये वही रूटीन के केसेस थे जो जो 9 मई को इमरान खान साहब ने यहाँ पर पेश होना था, तो उसी वक्त ये जी जी ये वही केसेस थे। और उसके बाद कुछ नए केसेस भी बने जो वो सब केसेस थे। बाकी तो आपके सामने जो सिचुएशन है थक के रह गया था हर बंदा। इवन के एक वक्त आया कि खान साहब ने ये कहा कि रेंजर क्यों इतनी ज़्यादा लगाई हुई है, तो फिर पुलिस ने कहा कि मैं चेक करता हूँ। जब चेक किया तो उसके बाद उन्होंने रेंजर्स को यहाँ से हटा भी दिया था। लेकिन जो हमें बताया गया है मुज़ाकरात यही चल रहे थे कि शायद उनको कहा जा रहा था कि आप बनीगाला में जाएँ और वहाँ पर रह लें, लेकिन इमरान खान बजी थे, उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर जाना है और लाहौर जाना है। तो बिल आखिर वो यहाँ से अब रवाना हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया फयाज़ भाई। तो इस वक्त ये सिचुएशन है कि पुलिस की जानिब से एक जानिब वो मर्सिडीज़ खड़ी की गई जिसमें इमरान खान साहब को कल सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था, और एक जानिब वो जो है वो गाड़ी लाई गई जिसमें आज इमरान खान साहब को हाई कोर्ट लाया गया था। तो एक जानिब से जो मीडिया था और दीगर जितने भी अफराद थे उनको उस तरफ तवज्जो दिलाई गई कि उस मर्सिडीज़ में खान साहब को लेके जाया जाएगा, मगर दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से चैम्बर्स वाले रास्ते से खान साहब को निकाल कर और उसी गाड़ी में यहाँ से रवाना किया गया। किसी को मालूम भी नहीं हो सका जिसमें आज इमरान खान साहब को हाई कोर्ट में लाया गया था। तो अब इमरान खान साहब को यहाँ से रवाना कर दिया गया है, और इमरान खान साहब मोटरवे से अपना जो स्क्वाड है उनका अपना सिक्योरिटी पर्सनल स्क्वाड है जिसमें इमरान खान साहब हर बार यहाँ पर आते हैं वो उनको वहाँ से ज्वाइन करेगा, और उस पर उसके बाद खान साहब जो पुलिस की सिक्योरिटी गाड़ी है वहाँ से उस गाड़ी में शिफ्ट होंगे और उसके बाद वो जमान पार्क के लिए रवाना हो जाएंगे। इसी दौरान तमाम कारकुनान जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ होंगे और वहाँ जाके एक जश्न भी मनाया
किया जाएगा। इस वक्त मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी सीनियर क्यादत है वो इस वक्त जो है वो ज़ेर हिरासत है, और खान साहब ने यहाँ से रवाना होने से पहले एक वीडियो में मैसेज भी जारी किया है। तो अब तक की ये सिचुएशन है, आज सारा दिन जो है वो बड़ी हेक्टिक सिचुएशन रही हाई कोर्ट में, और सुबह 9 बजे से लेके अब 10:30 हो चुके हैं, तो तकरीबन 12 से 13 घंटे जो हैं वो यहाँ पर तमाम साफ़ी भी मौजूद रहे, और सब के लिए ये बड़ा एक मुश्किल दिन था। लेकिन अब जो है वो मामलात नॉर्मल हो चुके हैं। दूसरी जानब जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो भी बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। तो मैं यहाँ से हाई कोर्ट से आपको आगाह कर रहा था, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।